तप त्याग परिश्रम अनुशासन के साथ उस अर्जित हुई विद्या के माध्यम से समाज के वंचित तबकों के बीच भी जाएं और उनके साथ भी अपनी समृद्धि, अपनी शिक्षा, अपने संस्कारों को बांटें। हमारा राष्ट्र जो है ऐसे ही जोश और उत्साह से भरे हुए युवाओं के हाथ में है और यही कल हमारे राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लगातार वेलफेयर का काम करते हुए हमारे साथ ज्योतिपुंज फाउंडेशन के संरक्षक अभिषेक सिंह है। सर, आप लगातार लोगों की मदद करते, जागरूकता का काम करते रहते हैं, कैसा लग रहा है सर? नहीं, बड़ा आनंद आया इन युवाओं के बीच आकर के और इनका उत्साह देखकर। मुझे ये इस बात की संतुष्टि है कि हमारा राष्ट्र जो है ऐसे ही जोश और उत्साह से भरे हुए युवाओं के हाथ में है और यही कल हमारे राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही इन लोगों के बीच में और मैंने अपने फाउंडेशन की ओर से और अपनी ओर से इन लोगों को प्रयास किया ये संदेश देने का कि जो भी ये विद्या यहाँ अर्जित करें, तप त्याग परिश्रम अनुशासन के साथ उस अर्जित हुई विद्या के माध्यम से समाज के वंचित तबकों के बीच भी जाएँ और उनके साथ भी अपनी समृद्धि, अपनी शिक्षा, अपने संस्कारों को बांटें ताकि वो तबका जो विकास की दौर में पीछे खड़ा है वो भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके, आगे बढ़ सके। बिहार की शिक्षा को भी आप कहाँ देखते हैं और इसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सरकार काम कर रही है और किसी भी व्यवस्था में सदा निरंतर कुछ न कुछ कमियाँ रहती हैं और सदा कुछ और अपेक्षा भी की जाती है। सरकार से भी यही अपेक्षा है कि जो अच्छा काम करने का वो प्रयास कर रही है उसमें और तेज गति, तीव्र गति से उसको बल ले। हम सब भी निजी तौर पर अपने फाउंडेशन की ओर से छोटे छोटे प्रयास जहाँ जहाँ संभव है वो कर रहे हैं। मैं आह्वान करूँगा और लोगों से भी, वो भी ऐसे समूह बना करके समाज के अंदर शिक्षा का अलख जगाएं और सरकार के कार्यक्रमों के अलावे अपने अपने निजी प्रयास से भी, जैसा मैं कहता हूँ, जो वंचित तबका है उसके बीच जा करके काम करें, परिश्रम करें, त्याग करें। जी, ज्योतिपुंज फाउंडेशन स्पेशली युवाओं के लिए क्या कर रहा है? युवाओं के लिए मैडम सकारात्मक रूप से प्रेरणा देने का काम करते हैं। नशा मुक्ति कैसे हो, आजकल सोशल मीडिया पर जो बच्चे रहते हैं, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अन्यथा नहीं लेंगी, लेकिन मेरा कहना है सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग कैसे बच्चे करें, हमारे अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, विद्वता को बढ़ाने के लिए और 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर न रहें, ये संदेश देने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ जो व्याप्त हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे उस कुरीतियों के खिलाफ भी वो संघर्ष करें, उन कुरीतियों को मिटाने में भी सहयोग दें, यही सब अपने माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे थे। जी, चलिए। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि वो उनका फाउंडेशन ज्योतिपुंज फाउंडेशन लोगों के सहयोग के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए क्या कुछ कर रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। कैंपस में आकर मुझे बड़ी आनंदित अनुभूति हो रही है और आप लोगों का उमंग और उत्साह देखकर मुझे भी अपने बीते हुए समय भी याद आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जिस उद्देश्य से इस संस्था में आए उस उद्देश्य की पूर्ति करें, संकल्प लें, अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी त्याग, तपस्या, परिश्रम करना हो वो करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।